मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल डॉक्टरों की स्टाई पेट बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि उन्हें स्टाई पेट मिल रही है वह एक मजदूर से भी कम है। डॉक्टरों की मांग है कि कड़ी मेहनत और लगभग 8 वर्षों के मेहनत करने के बाद वह डॉक्टर बनते हैं और उन्हें महज 400 से कुछ ही ज़्यादा प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि उनके स्टाई पेड राशि 30,000 की जाए। आइए सुनते हैं डॉक्टरों ने क्या मांग की है। हमारी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि हम लोग जो साल का जो हम फीस दे रहे हैं वो लगभग 1,14,000 है, जो कि पहले इसके आधा रहता था, और जो हमारे महीने का वेतन है वो हमारा 13,400 है, जो कि बहुत कम है। तो हमारी यही मांग है कि हमें मतलब पर डे का 1,000 मिले और हमारी जो वेतन हो अब 30,000 एक महीने की हो। तो अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या 13,400 मिल रहा है हमें अभी एक महीने का, जो कि अगर हम पर डे देखें तो 400 रुपये होता है, और मिनिमम वेज अगर देखा जाए सरकार से अगर तो वो 500 होता है। तो हमें एक मिनिमम वेज वर्कर से भी कम मिल रहा है। अभी कुछ बढ़ाई गई है तो जो वो तनख्वाह बढ़ाई गई है वो पिछले साल ये तय हुआ था कि 2 से 4% हर साल बढ़ाई जाएगी, तो उस बेसिस पे हमारे 500 रुपये बढ़े हैं। लेकिन जो हमारी जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि हमारी जो बेसिक है जो मतलब रोज़मर्रा की हमारी मतलब जो बेसिक हमारी स्टाइपेंड है वो 30,000 हो। हम उस इंक्रीमेंट के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि 2 से 4% जो हमारे को दिया गया है। अब जो 13,000 है वही बहुत कम है, तो उसका 2 से 4% अगर हमारा बढ़ेगा भी तो नहीं हो पाएगा। और उड़ीसा और जी हमने ऊपर बात की है और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अजय स्वास्थ्य मंत्री आपके शहर जिले के हैं, तो इनसे क्या मुलाकात हुई इस संबंध में कुछ? हाँ, उनसे इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मुलाकात हुई है, बच्चों से बात हुई है, तो हमें आशा है कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा उनसे। आगे आप लोग क्या स्टैंड रहेगा? अभी तो अगर मतलब आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। आज हमने प्रोटेस्ट किया है, आगे हम स्ट्राइक करेंगे और वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। आयुषी हम इंटर्न डॉक्टर्स हैं श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के, यहाँ सभी 2019 के छात्र और छात्रा प्रेजेंट हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमारे को हर महीने इंटर्न्स की 13,400 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि इस स्टाइपेंड को बढ़ाकर कुछ 30,000 रुपये कर दी जाए, जो कि डेली का बेज होता है 450 रुपये। और जैसा कि डॉक्टर बनने में इतनी मेहनत लगती है, कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज दिन भर मतलब हर डेली 450 रुपये मिलते हैं, जो कि एक लेबरर कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम ये चाहते हैं इस बेस को बढ़ा के 1,000 रुपये पर डे कर दिया जाए, जो कि महीने का 30,000 रुपये होता है, जो कि एक मिनिमम बेस है, जो कि हर दूसरे स्टेट के इंटर्न्स को मिल रहा है। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट के इंटर्न्स को ये स्टाइपेंड मिल रहा है। तो हमारी मांग यही है कि MP स्टेट के भी इंटर्न्स को ये बेज 30,000 रुपये प्रति महीने कर दिया जाए। और इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि 5.5 साल यहाँ पर मेहनत करके पढ़ाई करके एक जो डॉक्टर यहाँ पे बनने आता है बच्चा, वो 11वीं कक्षा से पढ़ाई में लगा रहता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उसमें। उसके बावजूद आज इंटर्नशिप करते समय उसको मिनिमम स्टाइपेंड मिल रही है 13,000 रुपये। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जो लोन लेकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको अपने घर पर पैसे भेजने होते हैं। हमारा 13,000 रुपये में गाड़ी
गाड़ी का खाना खाना खाने का रहने का खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता। 13,000 बहुत ही न्यूनतम अमाउंट है जो कि आप किसी डॉक्टर को दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण डिमांड यही है कि इसको बढ़ा के 30,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए, जो कि हमारे राष्ट्र के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में दिया जा रहा है। स्टेट वाइज अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दूं तो उड़ीसा में हर महीने 42,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। पश्चिम बंगाल में 30,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। आसाम में 36,000 रुपये एक इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है। तो ऐसा क्यों कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार ही इसमें कंजूसी कर रही है। हमारी जो फीस थी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने 1990 बैच में आज से 25 साल पहले MBBS करी थी। उनकी MBBS की जो फीस थी वो थी 2,000 रुपये 4 साल की। हमारी MBBS की फीस है 1,00,000 रुपये 1 साल की, जो होती है जो 5 साल के हिसाब से 5,00,000 रुपये होती है। हमारी MBBS की फ़ीस में इंक्रीमेंट हुआ है 250 गुने का। और मेरे पिताजी की स्टाइपेंड थी 1,300 रुपये, 1,300 रुपये से आज हमारी स्टाइपेंड है 13,000 रुपये। क्यों हमारी फ़ीस में 250 गुना बढ़ोतरी हुई है और हमारा स्टाइपेंड सिर्फ 10 गुना बढ़ा है? ये बहुत ही गलत है। अगर आप अपना फीस लेते समय अपने बारे में सरकार सोचती है, तो आपको जो सरकार डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं दिन रात, नाइट ड्यूटी करते हैं हम लोग 12-12 घंटे की, तो उनके साथ यहाँ पे मिनिमम वेज वाली हम लोगों को मिनिमम वेजेस पे नहीं काम करवाना चाहिए। बहुत बेसिक डिमांड है कि 1,000 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन हमें 30,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। हम लोगों का यही डिसीजन है। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी इंटर्न डॉक्टर हैं, सब लोगों ने अनिश्चितकाल की स्ट्राइक का डिसीजन लिया है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करी जाएगी, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम लोग अनिश्चितकाल तक स्ट्राइक पर जाएंगे। आज सांकेतिक है। हम लोग आज सब यहाँ पे जितने भी डॉक्टर प्रेजेंट हैं, पिछले हफ्ते से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों की स्ट्राइक चल रही है। रीवा मेडिकल कॉलेज के जितने भी इंटर्न्स हैं, हम लोगों ने इस हफ्ते की शुरुआत से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि हमारे हॉस्पिटल में भी कोई समस्या ना आए। हम लोगों ने सब जगह पर इन्फॉर्मेशन दे दी है और इसके बाद से कल से हम लोग पूरी स्ट्राइक पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये स्ट्राइक इस हफ्ते से जारी रही, 100% तरीके से चल रही है। एमपी में कितने छात्र होंगे? एमपी में इंटर्न के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 2,500 से ज़्यादा छात्र हैं इंटर्न जो हैं, और हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सभी एक साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं। आज हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो हम काली पट्टी बांधकर ये बता रहे हैं कि हम कल से पूरी तरीके से स्ट्राइक जाएंगे अगर हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, जो कि बिल्कुल वाजिब मांगे हैं हमारी। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।